क्या प्रॉब्लम है माता जी बताइए। हमारा प्रॉब्लम यही बेटा, हम रह नहीं पा कहा रंजीतवा कहा था कि पापा जान से मार जाओ और पापा जमाना है रहा देते दो महीना कहा था कि दो महीना बाद यहाँ रह दे बगिया में जहाँ रही थी हम तो हमारे बेटे बिटिया के मारे कहा था वो कहा था कि वो कहना मारे कहा था कहा समझी वो समझो आप लोगों का समझौता तो हुआ था ना वहाँ पे जो डोरी उरी लगी थी नहीं वो समझौता कहा था कुछ नहीं भवा झगड़ा कहे नहीं दी हूँ उनका और रंजीतवा कहा समझी तो कहा समझे मकान तो उसने बनवा लिया था ना हाँ मकान तो बनवा लिया तो मकान तो बनवा ही दिए तुम्हारा पानी बचा फिर घर गया था सवेरे को कहा था तो कहा जान से मार जाओ देखती जान से मार के उनका मिलाई हमें कुछ लड़के हम कहा नहीं थाने में जाकर शिकायत कर दो कर है तब हाँ कर है शिकायत किया आपने हाँ शिकायत कर दिया क्या हुआ बहुत सारे क्या करें माता जी अभी भेजेंगे भेजेंगे कर दो ये तो ये सब साहब का तो बहन की देखा ये सब माता जी फाइन डाले ही चाहे इतना जा लोटक तो हम कहा ठीक है अपना लोटक बिना लोटक आप कहा नहीं जाती ना लोटक अभी तक एक बार तो कार्रवाई हुई है नहीं एक बार बंद हुए थे खाने पर नहीं अब जैसे सिलेक्टर में नहीं लग पा हाँ और वो जो बंटवारा हुआ था जमीन जहाँ पे नापी गई थी हाँ। जो मिला था जो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे हाँ। बंटवारा कराए थे हाँ। तो जमीन वो मिली आपको नहीं हाँ कुछ नहीं अभी नहीं मिली तो क्या कहना चाहती हैं हम यही कहना चाहते हैं कि देखो भैया हमारे जान माल खतरा बाट है जब तक लाभ खाने ली जमीन के बाद जमीन बातों में कहा था कि 1,14,000 मार लाख बा और कहा गरिया काहे रो रही हो बताओ क्या दिक्कत है बताओ क्या दिक्कत है बताओ बता दे ये हमारे माल काहे लिए मारा बता दे ये कि काहे ये मुझे कहाँ नहीं जा पा रही तुम कहा चाहती हो खाए का बंद करा चाहते बता दी तुम खाए का पकड़े बंद तुमको जमीन नहीं मिल रही है जमीन के बाद पहले का बात समस्या क्या है समस्या हमारी भैया एक बंद करे उनका लपटियान का है उन्होंने तो नहीं लपटियान साइन कर चला गा हमका का है भगत अरे बिटिया का है मार योगी जी से कुछ कहना चाहती हैं योगी जी नहीं नहीं उनका बंद करो योगी जी नहीं कैसे हाँ बताओ अपना नाम बताओ क्या नाम है तुम्हारा हाँ तुम्हारा नाम तुम्हारा मामला है ना ये जमीनी विवाद जो चल रहा है नीलम देवी है आप अपना नाम बताइए इनके पति है ना आप तो बलालिए बताओ क्या मामला है जमीनी मामला हाँ तो जो पंचायत हुई अभी बंटवारा हुआ तुम दोनों का सहमत हो अब कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं बोलो इधर इधर देख के बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है अब नहीं कोई विवाद विवाद ना ना हो खत्म
खत्म हो गया ना जो मामला था, दूसरी बात वगैरह बट गया, तुम्हारा संतुष्ट हो ना तुम? हाँ। अब कुछ कहना चाहते हो? कोई बात हो बताओ उनको, बाद में मत बताना, जो बात हो भी बताओ। अपनी चाहे ना हो चाहे आगे चल के लड़ाई झगड़ा ना हो, तुम अपना बनाओ। ठीक है। हाँ हमसे बोलो। हाँ तुम बताओ। हमारे लड़कियाँ का अगर कौन कुछ हो ही गया तेरे के हम जिंदगी खराब कर दो, पूरे परिवार का मरवाई दो, वीडियो बना ले। बस कि ना बता, ये बताओ जो अभी तुम जमीन का मामला बता रहे थे कि मेरा कब्जा कर ले रहे हैं, ये है अभी जो बंटवारा हुआ उसे सहमत हो ना तुम? अरे तुम बताओ, तुम भी तो थी बंटवारे में, सहमत होगी नहीं तुम? जब तक तुम सहमत नहीं होगी तब तक खुला समझौता नहीं होगा। अगर सहमत हो बताओ, सही है, कोई तुमको दबाव तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, दबाव बताओ या और कोई विवाद हो उसको भी बताओ। नहीं अभी बात अब जो करे हैं या पर करे ना उनके पट्टीदार। नहीं अभी तो जो जमीन का मामला आपका हम था के पट्टीदार हैं, हम उसका बंटवारा हो गया ना, डोरी लगी दोनों लोग के बीच में, गांव के चार पांच सम्मानित व्यक्ति भी हैं यहाँ पे। अच्छा शोभालाल की सहमति है आप? शोभालाल की सहमति है? बोलो। नहीं पति पति इतना मरवाए तो क्या तुम संतुष्ट नहीं हो फिर इस बंटवारे? संतुष्ट नहीं हो? अरे भाई अपन समझावा हम। अरे तुम बताओ अपना। नहीं बोलो, थोड़ा तेज बोलिएगा। नंदलाल ये कौन है आपके जो बगल में बैठे हैं? क्या विवाद क्या था आप लोगों का? वही जमीन का विवाद रहा, आगे फ्लिप डाले थे, डाले वो लेने थे, भाई 20-22 साल मुकदमा चले लड़े वड़े तो बीच में अब तक नहीं बोले, स्लिप के दिन ही रुकवा दी भाई। सब जमीन बढ़ गई, जमीन सर वगैरह पार्टी ने रात तुम इसके जगह जमीन दे रहे हो ना उसमें बोलो। हाँ जो आप लोग निर्णय किए दिए हैं तो हम देने तैयार। अभी जो बंटवारा हुआ अभी अभी जो अभी जो यहाँ डोरी लगा के बंटवारा हुआ चार पाँच लोग, सहमत हो ना आप? तुम भी सहमत हो ना? कोई शिकायत हो बताओ। शिकायत अब आगे चल के चाहे ना हो, ये चाहते हैं तुम बताओ, अगर आगे कोई विवाद होता है या तुम्हारी शिकायत आती है तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये जान लेना। जिनकी शिकायत है, देखो सुनो हमारी बात, ये शोभालाल की औरत है, वो जो वहाँ बैठी हैं शोभालाल की औरत है नीलम, ठीक है? तो ये जो मारपीट की शिकायत आती है वो महिला बता रही है, मारते पीटते हैं ये सब गलत। हाँ भविष्य में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब तुम लोगों को समझौता करा गया, लड़ाई कोई नहीं है, समझौता कराया गया, बंटवारा कराया गया और दोनों का एक बटे तो किया गया है। दीवार बनाएंगे, दीवार के समय हम लोग आएंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार खत्म, झगड़ा तुम्हारा खत्म हो गया। इंद्रजीत इधर आओ, कौन है रंजीत इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ यार, खिलाफ भी इधर आओ। अरे नहीं भाई वो कहती है ना कि उनके लड़के हैं चार पांच जो है, आप आइए इधर, तुमको है बोलना कि हम विवाद नहीं करेंगे, तुमको बताना उसमें आओ क्या कहे लिए मारे जाते हैं। मारपीट होती रही भैया जबरी जो है एप्लीकेशन, कल हम लोग दिन भर तहसील में थे, ये अपने पति को बिना बताए एप्लीकेशन दी थी कि हमको मारा गया। अब हो गया ना तुम्हारा बंटवारा 1/2 का हो गया, आए दिन ये थाने में सहमत हो गया तुम? हाँ भैया हम तो सहमत, आज बाद विवाद तो नहीं होगा, विवाद ये जबरदस्ती करती है, पहली बात तो बाउंड्री हो जाए। हमको ये बताइए कहते नहीं अपना विवाद होगा नहीं, ये बताइए विवाद होने के कारण ये बात बात झगड़ा के तो विवाद यार ये विवाद होगी भाई, हम ये कह रहा हूं कि विवाद नहीं होगा, होगा विवाद नहीं होगा, ये जब भाई अपने पर रहेंगे हम लोग अपना रहेंगे। देखो थोड़ा अगर कोई बात कहती है तो बात सह के रहो, ठीक है? तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए बस। हाँ।